नमस्कार, जय सियाराम मेरे सभी दोस्तों। आपका दोस्त, आपका साथी मैं पर्व कुमार चौधरी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो कि आपने इस कोरोना महामारी में ना कि सिर्फ सरकार का साथ दिया बल्कि खुद का साथ दिया और दूसरों का भी साथ दिया। लेकिन ये बात याद रखिए कि कोरोना महामारी अभी ख़त्म नहीं हुई है। आप सभी की मेहनत से हालांकि कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया है, लेकिन मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि घर से कम बाहर निकलें, और निकलते भी हैं तो इन चंद बातों का ध्यान रखें। हमेशा मास्क पहनें और कोशिश करें कम से कम 2 गज़ दूरी बनाए रखें। अपने हाथों को बार बार धोते रहें। और मेरा आप सभी से एक और विनम्र निवेदन है, जिस किसी ने भी अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है वो जल्द से जल्द अपनी वैक्सीन लगवाएं, ताकि हम कोरोना को जड़ से मिटा सकें। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे प्रदेश के प्यारे स्वास्थ्य मंत्री और उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिनने अपनी दिन रात लगा के इस कोरोना में हमारी सेवा करी। ना कि सिर्फ सरकार ने बल्कि ऐसे कई लोग सामने आए जिन लोगों ने इस कोरोना में लोगों की निस्वार्थ भाव से मदद करी। इसी बीच सामने आए एक ऐसे अभिनेता जो कि सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी एक हीरो बन के सामने आए हैं, और सौभाग्य की बात है कि इस बीच मुझे उनसे बात करने का मौका मिला। पहले तो मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि आपने जो सेवा करी है जनता की वो बहुत सराहनीय है, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप हमारे प्रदेश और क्षेत्र की जनता के लिए भी एक संदेश दें, तो ये संदेश आप अवश्य सुने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। मुझे अभी भी पता चला था कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे इलाके जैसे कि रायसेन, सांची, गैरातगंज, वहां पर लोग जो हैं वो वैक्सीन से दूर भाग रहे हैं, आगे बढ़ नहीं रहे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सब लोग आकर अपने आप को वैक्सीनेट जरूर करें। बड़ा इम्पॉर्टेंट है, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। कोरोना के इस मुश्किल समय में देश भर में नहीं, हर एक गली, कस्बे, टाउन, सिटी, हर जगह पर बहुत जरूरी है कि हर इंसान जो है वो अपना देश के लिए जो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको निभाए। और आई थिंक आज की डेट में वैक्सीनेशन से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो मध्य प्रदेश के जितने मेरे भाई बंधु, दोस्त, मित्र जितने सुन रहे हैं, प्लीज आगे आए, एक दूसरे का हाथ थामें और हेल्प करें, अवेयरनेस बढ़ाएं कोरोना की और उसकी सेफ्टी नॉर्म्स की। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप सब मिलजुल कर साथ में आएंगे तो हम ये जंग को जल्द से जल्द जीत सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।